ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं होता है। परिस्थिति छपरा में चल रही है जो डेंगू का एक भ्रमार सा होने जा रहा है, उसके लिए ब्लड की बहुत ही आवश्यकता महसूस हो रही है। आज इसमें हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के और ये रोटरी क्लब के सौजन्य से जो ये प्रयास किया जा रहा है, सही में मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ी प्रयास है और आज के दिन में इसकी आवश्यकता है। कर रहे हैं, कोई डर नहीं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। पहली बार कर रहे हैं? ऐसा पहले भी किया है? नहीं, पहली बार नहीं कर रहे, इसके पहले भी किए हैं। तो कोई कमजोरी हमजोरी? कोई कमजोरी नहीं होता है, ब्लड देना बहुत अच्छा चीज है। अगर पुराना ब्लड ब्लड शरीर में है उससे बीमारी भी पैदा होता है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी डाउट न्यूज। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये छपरा सदर अस्पताल का प्रांगण है और यहां पे आज आयोजित किया गया है ब्लड डोनेशन कैंप रोटरी क्लब द्वारा सचिव अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितेश कुमार दुबे हुआ। कहाँ से आए? मैं छपरा से ही हूँ। आप डोनेट कर चुके ब्लड? नहीं, अभी मैं करने वाला। अच्छा, इससे पहले कभी किया है कि नहीं? हाँ, एक बार किया है। कैसा लगता है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा होता है। देखिए, बोलते हैं लोग कि रक्तदान महादान होता है, तो सब कोई अपने के लिए जीता है, अगर दूसरे के लिए भी थोड़ा सा, अगर मेरे खून से अगर किसी और असहाय को अगर मदद मिलता है, अच्छा है, मेरे खून से कोई किसी की जान बचता है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार हुआ। कहाँ से आए? छपरा। इससे पहले कभी ब्लड डोनेट किया है? जी सर, एक और दो महीने पहले। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? कहना यही चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता शरीर के लिए, मतलब बहुत अच्छा गति होता है। सर, ये जो आयोजन आप लोगों ने ब्लड कैंप का किया है, उसका उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है। इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हम लोगों को निर्देश आया है ऊपर से कि 10 कैंप छपरा में करना है, ब्लड बैंक कैंप 10 करना है, जिसके तहत आज हम लोग तीसरा कैंप यहाँ कर रहे हैं। इसमें हमारे सहभागी हैं रोटरी क्लब छपरा, मैं रोटरी क्लब छपरा का सचिव हूँ, रोटरी क्लब छपरा और रेड क्रॉस सोसाइटी दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज ये कैंप लगा है। फिर 23 तारीख को रोटरी क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी और CPS ग्रुप, CPS स्कूल जो है, दोनों के तत्वावधान में CPS स्कूल में कैंप लगेगा। इस तरह हम लोग विद्यार्थी परिषद से मिल करके और लायंस क्लब से मिल करके टोटल 10 क्लब हम लोग 10 कैंप लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिले ब्लड से। अच्छा, इससे पहले भी देखा गया है कि आप लोगों ने कई ब्लड कैंप जो डोनेशन कैंप है वो आयोजित किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? प्रेरणा मुझे याद है कि जब मैं 14 या 15 साल का था तो मेरे बाबा का तबीयत खराब हुआ था और मैं बाबा को ब्लड दिलाने के लिए, उन्हें ब्लड की आवश्यकता थी और ब्लड दिलाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। उस समय बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि ब्लड देने के बाद तबीयत खराब होता है, ब्लड नहीं देना चाहिए, और मैंने कई लोगों को कहा कि आप लोग ब्लड दीजिए, मेरे बाबा को जरूरत है, क्योंकि हम लोग का ब्लड मैच नहीं हो रहा था, हम लोग देने लायक भी नहीं थे, उस उम्र मेरा कम था, तो किसी ने ब्लड देने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हमारे एक मित्र थे हरिज्ञान सिंह पटेल, संयोग से वो हमारे कार्य क्षेत्र में गुरु भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चलिए मैं ब्लड देता हूँ, और हरिज्ञान सिंह पटेल ने ब्लड दिया। उसके बाद से मैंने ठाना कि अगर किसी भी जरूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना ब्लड या फिर किसी अन्य से ब्लड दिलवाने का प्रयास करूंगा। उसी के तहत मैं यहाँ हमेशा कैंप लगाते रहता हूँ, रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, रेड क्रॉस से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो कैंप हम लोग परमानेंट लगाते रहते हैं। अच्छा, आपने बात की जब आपकी उम्र 15 साल थी और जो आपके दादाजी के साथ जो घटना हुई थी उसकी और कई भ्रांतियों के बारे में भी। अब आप इस आयोजन को कई बार कर चुके हैं, आने वाले दिनों में भी जैसा आपने बताया कि 10 और कैंप ऐसे करने हैं, तो जो लोग अभी जागरूक नहीं है ब्लड कैंप को लेके, आज भी उनके मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं कि कमजोरी हो जाएगी या कुछ अन्य प्रकार की, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि ये कैंप तो आज हम लोग छपरा सदर अस्पताल में कर रहे हैं, अगला कहाँ होगा और कब तक होने वाला है, ताकि जो लोग देखें वो लोग भी आके इसमें सम्मिलित हो सकें, तो ये सारी बातें आप बताएं। बिल्कुल, ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं होता है, क्योंकि ब्लड का जो कार्य है कि अगर 40 दिन के अंदर आपका ब्लड, अगर हर 40 दिन पे ब्लड खत्म हो जाता है शरीर से, पानी बन के निकल जाता है, तो इस तरह एक तरह से अगर पुराना ब्लड ब्लड शरीर में है उससे बीमारी भी पैदा होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि लोग अपना ब्लड हर कम से कम 4 महीना 6 महीना पे दान करें। 3 महीना के अंदर तो नहीं कर सकते हैं, सरकार का नियम भी नहीं है, लेकिन 3 महीने के बाद कभी भी आप ब्लड दान कीजिए और इसे खुशी मिलती है
कि किसी जरूरतमंद को आपने ब्लड दिया। और जैसे मैं आज मैं बताया कि 12 साल 13 साल की उम्र में हमारे मित्र हरियाणा सिंह पटेल ने ब्लड दिया था, मैं उनका आजीवन ऋणी हूँ। इसी तरह आप भी अगर किसी को ब्लड देते हैं, कोई भी ब्लड किसी को देता है, तो मुझे लगता है उस आदमी जो ब्लड लिया है वो जीवन भर याद रखता है। कभी भी उसको रहता है कि नहीं फलाने आदमी के द्वारा मुझे ब्लड मिला है और बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनके बारे में कभी गलत सोच नहीं सकता है। इसी तरह अब अगला जो कैंप है हम लोग का, ये 23 तारीख को सीपीएस स्कूल में लग रहा है, जहाँ ब्लड बैंक की सारी टीम वहाँ रहेंगी 23 सितंबर को। तो वहाँ जिन्हें भी ब्लड देना हो आके वहाँ ब्लड दे सकते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल, अभी तक कितने लोगों ने रक्तदान दिया है यहाँ जो आज कैंप आयोजित हुआ है उसमें, और कितने लोगों का अनुमान है कि आज पूरे दिन में उनकी संख्या हो? जी, अभी तक मुझे पांचवा ब्लड निकल रहा है, पांचवे हमारे अभिषेक जी दे रहे हैं ब्लड, और मुझे उम्मीद है कि शाम तक मुझे 15 ब्लड यूनिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 15-16 आदमी को बोला है, तो कोई बिजी है, कोई ऑफिस में है। निश्चित संख्या 15 है, बढ़ भी सकती है, बढ़ सकती है। कितने लोगों को मैंने बोला है, लेकिन 15 लोगों ने एश्योर किया कि मैं पहुंच कर ब्लड दूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि 2 बजे के बाद मैं आऊंगा, तो वो लोग भी आकर के यहाँ ब्लड डोनेशन करेंगे। आइए अब बात करते हैं जो रक्तदान के लिए पहुंचे हुए हैं उनसे। सर, आपका नाम क्या है? शंभुनाथ सिंह। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम उमानगर छपरा से हैं। अच्छा, ये रक्तदान जो आयोजित कैंप हुआ है, इसमें आप पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, इससे पहले भी आप? पहली बार हम आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी किया है कि नहीं रक्तदान दिया कि नहीं? अभी नहीं दिया, अभी खड़े हैं रक्तदान देने के लिए। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई डर? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, लोग जैसा कहते हैं कि कमजोरी होती है, तो कुछ वैसा डर है? देने के बाद ना पता लगेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ शंभु जी हैं, इनका कहना है कि देने के बाद, तो हम वो अनुभव भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देने के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हैं। फिलहाल जो भाई हमारे रक्त दे रहे हैं उनसे जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा। पहली बार कर रहे हैं? इससे पहले भी किया है? नहीं, पहली बार नहीं कर रहे, इसके पहले भी किए हैं। तो कोई कमजोरी? कोई कमजोरी नहीं होता है, ब्लड देना बहुत अच्छा चीज है। अच्छा, ये जो लोग डरते हैं, जैसा कि अभी हमारे साथ जो सचिव थे रोटरी क्लब के अमरेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कि कोई डर नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कई बार दे चुके हैं, जो लोग डर रहे हैं आज भी रक्तदान से, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? ब्लड डोनेट करने में कोई डरना नहीं चाहिए, इससे आपको दूसरे को मदद ही मिलेगा, और ब्लड आपको डोनेशन करने के लिए शरीर में अच्छा ही है, हमेशा 2 महीना पर करते हैं। तो आपका नाम क्या? कन्हैया सिंह। कहाँ के रहने वाले? उमानगर। तो देख सकते हैं अभी हमने एक बात की थी उनसे, जिन्होंने जो रक्त देने के लिए खड़े हैं, और दूसरी हमने बात उनसे की जो रक्त दे रहे हैं, और इनका कहना है कि इससे पहले भी दे चुके हैं, और रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती, शरीर में कोई समस्या नहीं होती, बल्कि ये शरीर के लिए बेहतर है, लेकिन जो एक निर्धारित सीमा है कि एक बार देने के बाद आप 3 महीना बाद दें। सर, आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं से हूँ, छपरा हॉस्पिटल रोड से। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ इंजीनियर अमरीश कुमार मिश्रा, मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, तो हमारे साथ अभी रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, जिनके देख रेख में ये आयोजित हुआ है कैंप। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज है, आज के इस दौर में, पैंडेमिक के दौर में, जब डेंगू इतनी तेजी से फैला है, हमारे जितने यंगस्टर्स आए हुए हैं, इनका ब्लड देना एक आज ये सबसे पुण्य का काम हो रहा है, और मैं सबों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि हमारे यंगस्टर्स आज यहां आकर के ब्लड दे रहे हैं, ताकि कितने लोगों की जान बचाई जा सके। अच्छा, ये 10 कैंप कैसे दिमाग में आया कि 10 कैंप आयोजित करना है? हालांकि आप लोग इसे पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन ये जो सीरीज है 10 कैंप वाला, 10 का हम लोगों ने ये मिनिमम टारगेट रखा है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे छपरा शहर में जिसको भी जितनी जरूरत हो प्लेटलेट्स और ब्लड की, हम लोग उसके लिए इंतजाम करें, ये हमारा काम है। हमारे सचिव का भी ये विजन है कि हमको अपना ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब मुख्य उद्देश्य है ये जो डेंगू अभी फैल रहा है, और डेंगू की वजह से जो लोगों को ब्लड की समस्याएं आ रही हैं, उससे निजात मिले और लोगों को सुविधा पहुंचाए, इसके लिए ये आयोजित किया जाए। जी, ये उसके लिए भी है, और हमारे रोटरी क्लब के ये मैनिफेस्टो में भी है कि हम लोग अपने से स्वेच्छा से हमेशा डोनेशन देते हैं, और डोनेशन देना ही तो हमारा ब्लड साइकिल है। ब्लड साइकिल हमारे कुछ दिनों तक, जैसा अभी सचिव ने बताया अमरिंदर जी ने, कि ब्लड साइकिल 40 डेज का होता है, 120 डेज ब्लड स्टोर करके रखा जा सकता है, उसके बाद तो फिर उसका लाइफ खत्म हो जाता है, तो फिर हमको उस जगह को फिलअप करना पड़ता है, और ये संस्था हम ही लोगों की है, ऐसी हमारे लायंस है, रोटरी है, रेड क्रॉस है, जो इसकी व्यवस्था करती है और देने में खुशी महसूस करती है। अच्छा सर, आप लोग जैसा आपने बताया कि इससे पहले कई बार कर चुके हैं,
इस बार जब आप कर रहे हैं, हर बार आप लोगों को कॉल करते होंगे, बुलाते होंगे, कहते होंगे कि आप आइए अपना खून दीजिए। खून देने वाली जो बात है अक्सर मन में डर पैदा करती है, तो वैसे में लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है जब आप उनको कॉल करते हैं और बुलाते हैं खून देने के लिए? जिनको मैं ये कहता हूँ उनको मैं कभी खून देने की बात नहीं कहता हूँ, मैं कभी खून का आप रक्त दान करें, वो दान करने आते हैं, खून देने नहीं आते हैं। और दान करने में जो उनको खुशी मिलती है और जो उनके स्वास्थ्य पे एक अनुकूल असर पड़ता है उसे वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। हमारे ये सचिव हमको लगता है हर 6 महीने में एक बार ब्लड देते। कभी किसी ने विरोध किया कि नहीं? यार सब खुश होते हैं, बड़ी खुशी होती है लोगों को। उसके लिए हम लोगों ने बाकायदा कैंपेन चला के इसकी भ्रांतियों को हम लोगों ने दूर किया है। मतलब अब ये समझा जा सकता है कि जो वर्षों की तपस्या थी, साधना थी लोगों को जागरूक करने का ब्लड डोनेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं अब सफलता की कगार पे है और लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और बढ़ के आगे आ रहे हैं। हम लोग आगे ही बढ़े जा रहे हैं और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये हमको बड़ी संतोषजनक है। आइए अब बात करते हैं उनसे जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार गुप्ता। कहाँ से आए सर? यहाँ छपरा से। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? आपका ब्लड डोनेशन हो गया है अभी? जी हो गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है महसूस, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमजोरी या कुछ? नहीं, कोई कमजोरी नहीं। क्या संदेश देंगे सर उनको जो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं? बस हम इनका कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होता है, आप लोग दीजिए, आप लोग की मर्जी है। अच्छा, आप पहली बार कर रहे हैं? इससे पहले भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? अमरिंदर सिंह, अमरिंदर भी आए हमारे हैं, बहुत नजदीकी है, वही हमसे कहे हैं कि ब्लड देना है तो आकर दे दीजिए ब्लड। तो सुना आपने, अभी अभिषेक जी थे हमारे साथ, अभिषेक जी का कहना है कि ब्लड डोनेट करने से कोई परेशानी नहीं है और साथ ही साथ ये संदेश दे रहे हैं दूसरों को भी कि आप भी ब्लड डोनेट कीजिए। आइए अब बात करते हैं, हमारे साथ अभी सेंट्रल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर हैं। सर जो ये कैंप आयोजित हुआ है उसे लेकर आप क्या कहें? यह मानव कल्याण के लिए सबसे अच्छा कैंप है और अभी की जो परिस्थिति छपरा में चल रही है, जो डेंगू का एक भरमार सा होने जा रहा है, उसके लिए ब्लड की बहुत ही आवश्यकता महसूस हो रही है। आई इसमें हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के और ये रोटरी क्लब के सौजन्य से जो ये प्रयास किया जा रहा है, सही में मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ी प्रयास है और आज के दिन में इसकी आवश्यकता है। इसलिए आज के बाद भी हम लोग 10 कैंप करने वाले हैं जो अगला 23 तारीख को सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, और उसमें एक नई चीज़ें हम लोग जोड़ रहे हैं, डेंगू का भी टेस्ट होगा, साथ में डायबिटीज का भी टेस्ट होगा। इसलिए इसमें जितने लोग भी शिरकत दे रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि लोगों के मन में ये भ्रांतियां अक्सर रहती हैं, हालांकि सर ने बताया था कि बहुत भ्रांतियां ये कम हुई हैं और लोग जागरूक हुए हैं ब्लड डोनेशन के लिए, लेकिन फिर भी अभी एक वर्ग है जिसके मन में अभी भी ये डर रहता है कि ब्लड डोनेट करने पे शायद हमारे शरीर में कोई समस्या हो, कमजोरी हो ऐसी। आप शिक्षक रहे हैं, आपका प्रभाव लोगों पे बहुत है, एक संदेश क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके मन में ये डर और भ्रांतियां? एक्चुअली इसके बारे में सही मायने में अवेयरनेस की जरूरत है। आप जनरल वे में 120 दिन के बाद जो आपके ब्लड सेल्स बनते हैं वो ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए 120 दिन के बाद फिर ब्लड नया बनता है। आप डोनेशन दें ना दें, 120 दिन के बाद वो समाप्त होता है, तो हम क्यों ना डोनेट कर दें। और इसके लिए जो कमजोरी होती है, कहीं कोई कमजोरी नहीं होती, हाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन होता है, आधे घंटे 1 घंटे उनको रिलैक्स में रखा जाता है और कुछ इस तरह एनर्जेटिक चीज़ दिया जाता है जो थोड़ी सी उनको मजबूती दे, लेकिन कहीं इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके लिए हमको सोसाइटी में अवेयरनेस की जरूरत है, जो वो समुदाय भी मुख्यधारा में जुड़े कि 120 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सर अंतिम सवाल आपसे, 23 सितंबर को सेंट्रल पब्लिक स्कूल के परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित होने वाला है, साथ ही साथ आपने बताया कि डेंगू के जाँच भी होंगे उसमें, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शक? मैं सोसाइटी को यह संदेश देना चाहूँगा कि डेंगू का जो शुरुआत हो चुकी है और ज़्यादा ये बच्चों में ही ज़्यादा ये इसका इफेक्ट होता है, और कोई भी स्कूल बच्चों का ही सेंटर होता है, इसलिए मैं वहाँ से शुरू करके चाहूँगा कि जो भी इस तरह के पोल्यूटेड एरिया या इस तरह के परिवेश में जो स्कूल है, सभी स्कूल डेंगू टेस्ट पर अवेयरनेस दें और लोगों को जागरूक करें कि नहीं जल्दी से जल्दी इसका टेस्ट करा लें ताकि बीमारी से हम बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने अभी हमारे साथ इस ब्लड कैंप को आयोजित करने वाले उन तमाम लोग थे जिनसे हमने बातें की, हमने उनसे भी बातें की जो ब्लड डोनेट कर रहे थे। सबका यही कहना है कि ब्लड डोनेट करने से कोई समस्या नहीं होती शरीर में, बल्कि ये शरीर के लिए बेहतर है। मेरी गुजारिश है आप लोग भी इसमें शिरकत करें, और जैसा अभी डेंगू का प्रभाव दिख रहा है वो वैसे में जो
रोगी हैं जो पीड़ित हैं उन्हें ब्लड की आवश्यकता भी है, तो ऐसे में आपका ब्लड डोनेशन करना किसी की जिंदगी बचा सकती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरेट आउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।